क्वेश्चन नंबर 11। तो 11/13 भागा 2/7 का 7 पूर्णांक, 7/12 घटाओ 1 पूर्णांक, 3/5। तो देखिए पहले कोष्टक हल होगा, तो छोटा कोष्टक है, का है और घटाओ है, तो पहले छोटा कोष्टक हम हल कर लेंगे। तो 11/13 गुना 7/2 हो जाएगा, देखिए 2/7, 7/2 हो जाएगा गुना में करने पे, इसको हम कोष्टक में ही अभी कर लेते हैं का। अभी इस सब का पूर्णांक तोड़ देते हैं, तो देखिए 12 7 84, 84 7 91, 91/12 घटाओ 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 8/5। अब देखिए अब कोई यहां पे कट नहीं रहा है तो गुना कर देंगे, 11 7 77, 13 × 2 = 26 का 91/12 घटाओ 8/5। अब देखिए का मतलब भी गुना होता है, तो आप पहले का क्रिया करेंगे उसके बाद घटाओ, तो 13 से कट रहा है, 13 × 2 = 26, 13 7 91, देखिए गुना का मतलब गुना होता है, तो गुना करेंगे तो 13 × 2 = 26, 13 7 91 कट रहा है, ठीक है। अब देखिए कोई नहीं कट रहा है तो बस गुना कर देंगे, तो 77 7 7 49, हाथ में रहा 4, 7 7 49 7, देखिए 7 7 49, हाथ में रहा 4, 7 7 49 और 4 कितना हो जाएगा 53, तो 53/12 × 24 घटाओ 8/5। अब देखिए यहाँ पे 24 5 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, तो 24 5 का लघुत्तम 24 25 5 + 20, हाथ में रहा 2, 5 × 2 = 10 2 = 12, यानी 120 आएगा। तो 24 25 120, तो 5 से इसको गुना करेंगे, देखिए 539 को 5 से गुना करेंगे तो 9 5 = 45, हाथ में रहा 4, ठीक है 5 से गुना कर रहे हैं इसको, 5 × 15 = 4 = 19, हाथ में रहा 1, 5 5 = 25 = 26, यानी 2695 घटाओ 5 से, देखिए 24 बार में आ रहा है तो 24 8 8 + 32, हाथ में रहा 3, 8 × 2 = 16 3 = 19, 192। अब देखिए इसको हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 1 गया 5 और ये हो गया 2, यानी 2503/120, देखिए 2503/120 आया। अब 120 से इसको भाग देते हैं तो 112 × 24, यानी 120 × 2 = 240, तो 2 से लगाएंगे, देखिए 240, 10 इधर गया तो 103 हो गया, तो 103 नहीं लगेगा, देखिए 120 12 × 2 = 40, तो 103 हो गया, इसके साथ आके 10 तो नहीं लगेगा 103, क्योंकि इससे छोटा है, तो हम यहाँ पे शून्य देंगे, फिर यहाँ पे इस तरह करेंगे 103, देखिए शेषफल आ जाएगा, नहीं लगेगा तो 103 हम यहाँ पे लिख देंगे शेषफल, और 120 जिससे भाग दे रहे थे वो यहाँ पे, तो 20 पूर्णांक 103/120 इसका आंसर होगा। तो हम इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 2 पूर्णांक 1/2 घटाओ मंझला कोष्टक, इसको बोलते हैं या मध्यम कोष्टक, ठीक है कुछ भी आप बोल सकते हैं, मंझला कोष्टक या मध्यम कोष्टक, 3 पूर्णांक 1/4 माइनस छोटा कोष्टक, देखिए 3 पूर्णांक 1/2 घटाओ 1 पूर्णांक 3/4 छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक, ठीक है या मध्यम कोष्टक कुछ भी बोल सकते हैं इसको, तो छोटा मंझला और बड़ा 3 कोष्टक होता है, ठीक है मेन जो ज़्यादातर प्रयोग होता है वो 3 कोष्टक होता है, छोटा मंझला और बड़ा। बड़ा देखिए आगे आएगा, क्वेश्चन नंबर 17 से बड़ा आ रहा है कोष्टक, ठीक है तो देखिए पहले छोटा कोष्टक हल करेंगे, उसके बाद मंझला कोष्टक, उसके बाद बड़ा कोष्टक, तो बड़ा कोष्टक तो यहाँ पे है नहीं, तो छोटा कोष्टक उसके बाद मंझला कोष्टक, तो यहाँ पे हम इसको पूर्णांक तोड़ लेंगे, तो 2 × 4 = 5/2
ठीक है, घटाओ मंझला कोष्टक हम लगाएंगे यहाँ पर, 4 3 12 1 13/4 घटाओ 3 2 6 1 7/2 घटाओ 4 × 1 4 4 3 7/4। देखिए अब छोटा कोष्टक को हम लगा लेंगे यहाँ पे, ठीक है, और मंझला कोष्टक को इधर। तो अब हम इसको लिख लेते हैं, 5/2 घटाओ मंझला कोष्टक 13/4 घटाओ। अब देखिए छोटा कोष्टक पहले हल होगा, तो 2 4 का लघुत्तम 4, 2 4 का लघुत्तम 4 हो जाएगा, तो 2 2 4 तो 7 2 14 -7 हो जाएगा यहाँ पे, 4 × देखिए 4 से 4 एक बार में, 7 × 1 7। छोटा कोष्टक को हम लगा देंगे अभी, और इधर मंझला कोष्टक, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे 5/2 घटाओ 13/4 घटाओ, 14 में से 7 गया तो 7, तो 7/4 आ जाएगा। देखिए इसको हल कर देंगे छोटा कोष्टक, तो अब हम छोटा कोष्टक हटा देंगे, अब यहाँ पे हम लगाएंगे मंझला कोष्टक बराबर 5/2 घटाओ 4 4 का लघुत्तम 4, तो 13 - 7 लिखेंगे यहाँ पे। अब देखिए मंझला कोष्टक हम हल कर रहे हैं, तो 5/2 घटाओ 13 में से 7 गया तो 6 6/4। देखिए अब मंझला कोष्टक भी अब हम हटा देंगे, सिर्फ ये दोनों अब बचा, तो इसका लघुत्तम ले लेंगे 2 4 का लघुत्तम 4, 2 2 4 तो 5 2 10, 4 से 1 बार में तो 6 × 1 6, यानी कितना आ गया इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 10 में से 6 गया तो 4/4 एक आ जाएगा इसका आंसर। देखिए 4 से 4 एक बार में कट गया, यानी इसका आंसर हो गया 1। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 12 हल कर लेंगे।